देखो, इसमें जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे है। कल हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से होते हैं? -2, +2, +4 एंड +6। ठीक है, अगर जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 होगा, उस समय वो जो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा उसका, वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और जब माइनस होगा 2, इस केस में वो केवल ओनली, ध्यान रखना ओनली, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा कि वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और इसके खुद का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ सॉरी हाँ जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी इसके खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या होगा, +4 से +6 में चले जाएगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब +4 से +6 जाएगा, यानी ये किसका काम कर रहा है, वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जब उसका रिडक्शन हो रहा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये +4 से +2 में चले जाएगा, यानी यहाँ पे क्या किया इसने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो वहां पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? बताओ, यस नो? ओके, तो इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन आता है आपके पास कि कौन सा एलिमेंट है जो दोनों की तरह बिहेव करता है। जैसे मैंने कहा SO2, तो SO2 में देखो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा, यानी ये एम्पोटेरिक रिएक्टर शो कर सकता है। एम्पोटेरिक का मतलब होता है जो दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना। तो ये है आपका SO2, और जहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहां पे वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, जैसे H2SO4, एग्जाम्पल के लिए H2SO4। तो यहाँ पे सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, अब ये इससे आगे नहीं बढ़ा सकता, इससे ज्यादा ये लूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे केवल किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा बस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ अब ये इलेक्ट्रॉन को केवल क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये केवल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि +6 तो लॉस कर ही चुका है और इसके लास्ट में 6 ही होते हैं, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। इसीलिए जब भी +6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होगी, इसका मतलब वो उस समय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे फिनिश होते हैं। अब आता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे मैंने कहा सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम और पोलोनियम, तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है?
इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, SETEPO, इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ओके श्रुति, इसके अलावा कोई आंसर? इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नो आंसर। अच्छा, यामिनी। ओके देखो, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। रिएक्टिविटी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सल्फर, फिर SE, फिर TE, फिर PO। ठीक है, पीओ को जनरली आप मत ही गिनो, रेडियो एक्टिव होता है ये। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम। ठीक है, तो रिएक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है सल्फर ऑक्सीजन में, पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। अब नेक्स्ट वन आ जाते हैं हम लोग। अब देखो, उसके साथ भी वही केस था, यहाँ पे भी वही केस है। रिएक्टिविटी देखो, पोलोनियम होता है जो, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो जनरली आप उसे ले भी सकते हो, यूज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए। अब आता है देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसे कहते हैं हाइड्राइड बनाना। उसमें भी हमने यही किया था, हाइड्राइड बना दिए सबके। ठीक है, हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दो, H2O, H2S, H2SE और H2TE। ठीक है, तो हाइड्राइड का मतलब ये हाइड्रोजन के फॉर्म में बन गया। अब आपको इसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर करना है। पहले मैंने क्या बताओ, बॉन्ड एंगल के बेस पे, जैसे उसमें बताया था मैंने आपको, इसमें भी वही रीजन है। बॉन्ड एंगल के बेस पे ज्यादा एंगल किसका होगा इनमें से? इसमें बताओ, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ ओके श्रुति, इसके अलावा बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा? ओके अंबिका और यामिनी, राइट आंसर है। देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका? H2O का, ये सही बताया आप लोगों ने। H2O, फिर H2S, फिर H2SE और फिर H2TE। रीजन क्या है? देखो, रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन है, स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज होगा तो उसमें क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि छोटा साइज है। तो ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड है, देखो स्ट्रक्चर से बताता हूँ आपको, ऑक्सीजन ये है, छोटा साइज होगा और इसमें दो लोन पेयर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 266 लास्ट में होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये बॉन्ड पेयर, देखो ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये आपस में रिपेल करेंगे, ये दूर दूर भागेंगे, क्योंकि पास पास है ना, तो जब बॉन्ड पास पास होंगे तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन मैक्सिमम हो जाता है ऑक्सीजन में, तो इसीलिए क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा वो H2O का सबसे ज्यादा होगा। और यही रीजन मैंने आपको किसमें बताया था, जब मैं आपको नाइट्रोजन फैमिली बता रहा था। ठीक, इसीलिए मैंने कहा ये सारे आंसर हैं जो ये सारे ग्रुप के साथ मैच करेंगे, और वही रीजन सबका है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा क्या होगा, जो रिपल्सन है वो डिक्रीज होगा, तो जैसे जैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, तो रिपल्सन क्या होगा कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है, और यही रीजन किसमें था जब आप अमोनिया वाला पढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने कहा, और यही रीजन आगे आएगा 17 में। बस 18 का छोटा सा होता है, बाकी सब में सेम कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो इसीलिए एक को आप ढंग से पढ़ोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाती है। ये देखो एंगल भी इसमें बताया हुआ है, H2O का एंगल होता है 104.5 डिग्री सेल्सियस, H2S होता है 92.1 डिग्री सेल्सियस, H2SE होता है 91 डिग्री सेल्सियस, और H2TE होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको आगे बताया था, वही यहाँ पे रीजन सेम है, क्वेश्चन अलग है बस, लेकिन रीजन सेम होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये आंसर को वेरी कर जाता है, इसको भी ध्यान से रखना, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, देखो मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैंने आपको बोला मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, उसमें भी यही ऑर्डर था, देखो H2O, H2SE और H2T। अब मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जनरली साइज बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी कि H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जैसे NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, ऐसे ही क्या होगा H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये यहां से जंप मार के कहां चले जाएगा, नंबर वन पे चले जाता है, तो H2O का हाईएस्ट हो जाता है। ये लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें लगता है वीक वैंडरवॉल फोर्स, और वैंडरवॉल फोर्स क्या होता है, साइज पे डिपेंड करता है। वैंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, जिसका बड़ा साइज उस पे वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो वैंडरवॉल फोर्स भी इंक्रीज होता है। लेकिन H2O का आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग होगा, ये आगे जंप कर जाएगा। तो देखो ये ऑर्डर चेंज हो गया, ये याद करना आपने, क्योंकि ये ऑर्डर में किसी का भी ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसी NH3 के साथ था, NH3 कहीं बीच में जंप कर रहा था या नंबर वन पे आ जा रहा था, ऐसी H2O के साथ है, तो लॉजिक सेम है दोनों का, H2S, H2SE, H2TE और H2O, तो H2O नंबर वन पे आ गया, बाकी का सेम लॉजिक है मेल्टिंग पॉइंट में। और ऐसी सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, होना क्या चाहिए था H2O, उसके बाद H2S, फिर H2SE और फिर H2TE। ठीक है, पोलोनियम का नहीं है, मैंने आपको कहा ना इसको जनरली शो नहीं करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो। तो अब यहाँ पे देखो ये है आपके पास, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि ये फिर यहाँ से जंप मार जाता है, ये लास्ट में होना चाहिए था, होता नहीं है, जैसे उसमें था PS3 नंबर लास्ट पे था, ऐसे यहाँ पे H2S सबसे लास्ट में, इसका भी लॉजिक वही है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, देखो उसमें भी यही था, यहाँ पे भी यही है, 15 ग्रुप में भी यही था, 16 में भी ऐसी है, 17 में भी पढ़ोगे आप तो ऐसी मिलेगा आपको। ठीक है, जो पहला मेंबर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो उसकी वजह से वो जंप कर जाएगा आगे, तो डिफरेंट हो जाएगा ऑर्डर, ये याद करना है आप लोगों ने। अब बताओ इन दोनों में किसी को कोई डाउट है, यस या नो? जनरली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट साइज होगा, जितना बड़ा साइज होता है मॉलिक्यूल का उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पूरा जो आपका ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, रिपीट करने तो आर लिख दो रिपीट के लिए, अगर इसको फिर से बताना है, ये आपको याद करने पड़ेंगे टर्म्स। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं?
तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब डिस्टेंस का है, डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। डिस्टेंस तो ये है कि एच टू वो छोटा साइज होता है, एस बड़ा होता है, एसई और बड़ा होता है, टीई और बड़ा होता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो साइज को तो हम बड़ा नहीं कर सकते, ऑक्सीजन के साइज को हम बड़ा नहीं कर सकते। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी, एच ई के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिस्टेंस, वो तो छोटा ही रहेगा हर हमेशा, ठीक है। तो ये छोटा रहेगा और टी ई का सबसे बड़ा रहेगा। तो ये सिंपल रेशियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एंगल का, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था बॉन्ड एंगल का। ये बॉन्ड एंगल अभी हमने डिस्कशन कर दिया था इसके बारे में। अब है डिसोसिएशन एनर्जी का। डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, जैसे मैंने कहा एस टू ओ, अब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी या डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब उसमें क्या होगा कि जो छोटा साइज होगा उसको तोड़ना सबसे मुश्किल है, और जो बड़ा साइज होगा उसको तोड़ना क्या है, आसान है, क्योंकि तो जल्दी टूट जाएगा। और जो छोटा है वो मजबूत है, एच टू ओ मजबूत होगा, तो इसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है। तो एच टू ओ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो डिसोसिएशन एनर्जी एच टू ओ की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, एच टू ओ। गुड इवनिंग सर। इसको ब्रेक डाउन, डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक डाउन करना, डिसोसिएट करना, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए उसको जो ये डिसोसिएशन एनर्जी है ये भी सबसे ज्यादा है। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे डिसोसिएट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन करना, और जब आप किसी चीज को ब्रेक डाउन करोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये ध्यान रखना। डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड। आप कभी भी किसी को ब्रेक डाउन करोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये जनरल टर्म्स है, ये पूरी केमिस्ट्री में आएगा कि जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है तो आप समझ जाना यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जब कहीं पे कोई चीज फॉर्मेशन हो रही है, बन रही है, इसका मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। इन जनरल टर्म्स में, मैक्सिमम केस में यही होता है कि कोई भी चीज फॉर्मेशन करोगे आप, जैसे मैंने कहा एच टू प्लस ओ टू, अब यहाँ पे बन रहा है एच टू ओ, फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और इसका अपोजिट कर दो, जैसे मैंने कहा एच टू ओ को तोड़ना है मुझे, अब इसको इसके पार्ट में तोड़ना है, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ये जनरल टर्म्स है जो सबके साथ चलेगा, तो वहां पे अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं पे डिसोसिएशन हो रहा है, कहीं पे एसोसिएशन हो रहा है, या फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन हो रहा है तो आप समझ जाओगे एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी मैक्सिमम पॉइंट में, मतलब हर हमेशा कह सकते हो, और जहां पे डिसोसिएशन हो रहा है वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो जो मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जो वीक होगा उसको तोड़ने के लिए लेस एनर्जी चाहिए। तो एच टू ओ के लिए सबसे ज्यादा, फिर एच टू एस, फिर एच टू एस सी, और सबसे लास्ट में एच टू टी। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, एनी सर डाउट? एक बार दोबारा बता दो, मैंने लेट ज्वाइन किया था। हाँ ओके। देखो मेल्टिंग पॉइंट, देखो ये है एच टू ओ जो मैंने आपको बताया, एच टू ओ क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे 16th ग्रुप। तो 16th ग्रुप में कौन सी चीज आती है, ऑक्सीजन, सल्फर, एस ई टी। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसके हाइड्राइड यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो केमिकल रिएक्शन में हमने कहा पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एच टू ओ बनेगा, एच टू एस बनेगा, एच टू एस ई बनेगा, और एच टू टी बनेगा। तो अब इन इनके साथ क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला मेल्टिंग पॉइंट पे, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो साइज पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो होना चाहिए था ऑर्डर ये, ठीक है, जनरल ऑर्डर, जो आइडियल ऑर्डर है वो ये होना चाहिए था। पर क्या होता है कि एच टू ओ यहाँ से जंप मार के नंबर वन पे चले जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और जो इस पे बॉन्ड लगता है वो लगता है वीक वैंडरवॉल फोर्स। जो भी मॉलिक्यूल होगा उस पे कौन सा बॉन्ड लगेगा, वीक वैंडरवॉल फोर्स, ये ध्यान रखना। ये जनरल टर्म्स है जो
हर जगह पे आप यूज करोगे कि वेंडरवॉल फोर्स कहाँ पे लगेगा, जो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ये मॉलिक्यूल H2S, H2S, ये मॉलिक्यूल होते हैं, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, जितना बड़ा साइज होगा उतना वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये जनरल टर्म्स है, ये कहीं पे भी कोई मॉलिक्यूल आप देखोगे तो जिसका साइज आपको बड़ा लग रहा है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे वेंडरवॉल फोर्स लगेगा। अगर उसके अलावा कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है तो वो स्ट्रांग होती है, ये सबसे वीक फोर्स होता है, वेंडरवॉल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, इससे वीक फोर्स केमिस्ट्री में नहीं है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से जंप मार के नंबर वन पे आ जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट चलेगा बॉइलिंग पॉइंट के साथ, बॉइलिंग पॉइंट में भी यही है, H2O, H2S, H2SE, ये जनरल चीजें जो हर चीज हर एक के साथ अप्लाई होगी। यहाँ पे भी यही सीक्वेंस ये होना चाहिए था जनरल, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वाटर यहाँ से जंप मार के फिर कहाँ आ जाएगा, नंबर वन पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है किसके कंपेरिजन में, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेरिजन, ठीक है। तो इसीलिए नंबर वन पे आ गया, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर। थर्ड आता है डिस्टेंस, तो जब डिस्टेंस मैंने कहा H2O का स्मॉल साइज होता है तो छोटा साइज होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा, तो H और O के बीच का डिस्टेंस कम होगा, सल्फर बड़ा होता है तो H और S के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, फिर SE का और बड़ा साइज है तो इसके बीच का डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा, और TE का साइज सबसे बड़ा होता है तो H और T का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस है, जो बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ है, वो उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को हम किसी भी हालत में बड़ा नहीं बना सकते, तो साइज तो छोटा ही रहेगा, इसीलिए इसमें जनरल सीक्वेंस चलेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। फोर्थ वन था एंगल का, एंगल मतलब H2O, H2S, H2SE और H2TE। अब इसमें क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन है सब केस में यही बनेगा, देखो वी शेप्ड का स्ट्रक्चर बनता है इसमें, तो वी शेप्ड का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होगा तो इसमें जो ये बॉन्ड पेयर होंगे बिल्कुल पास पास होंगे, तो जो बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन का छोटा साइज होता है। और वही TE की बात करूंगा मैं, तो टी का बड़ा साइज है, अब इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होंगे, तो ये यहाँ पे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके बीच का एंगल कम हो जाएगा, लेकिन इसका छोटा साइज होता है, बिल्कुल पास पास होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे दूर दूर तक, तो दूर दूर देने की वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है वो H2O में सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। और TE में कम क्यों होगा, क्योंकि TE का साइज बड़ा है, तो हम सेंट्रल एटम को देखते हैं हमेशा, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाते समय बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। और यही केस किसके साथ था, NH3 के साथ था, 15 ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये सेम केस चलेगा, इसका 104.5 है, इसका 92.1 है, इसका 91 है और इसका 90 है। इसमें एक्सेप्शनली हाई दिख रहा है, देखो 104 सबसे ज्यादा, इसके बाद देखो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है क्योंकि इनका बड़ा साइज हो गया ना, इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में सबसे ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, स्मॉल साइज होता है इसकी वजह से, बाकी में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 92 है, 91 है, 90 है बस, लेकिन ऑक्सीजन यानी वाटर में हाईएस्ट है, तो उसका मेन रीजन ये है। इसके बाद अभी मैंने आपको बता दिया डिसोसिएशन एनर्जी या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, दोनों सेम है तो उसमें H2O की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है H2S, H2SE और H2TE, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट, लॉजिक आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जनरल चीजें आपको याद होनी चाहिए कि जनरल चीजें यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। जनरल जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी हीट क्या होगी, अगर एसोसिएशन होगा तो क्या होगी, और मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स लगता है और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये अगर आपके पास अननोन क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि यही कॉन्सेप्ट लगता है, इसके अलावा इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है और,
ठीक है, तो जनरली 8-10 कॉन्सेप्ट पे ही पूरा पी ब्लॉक है। अब देखो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या होगा कि जो H2O होता है ऑर्डरलेस और कलरलेस लिक्विड होता है, तो हमको पता ही है। बाकी के जो हाइड्राइड होते हैं वो अनप्लेसेंट होते हैं, फॉल स्मेल यानी बेकार वाली स्मेल होती है, पॉइजनस गैसेस होते हैं जनरली, ठीक है, और फॉल यानी बेकार स्मेल आती है अनप्लेसेंट वाली। और हाइड्राइड में H2O को छोड़ के, H2O आप लोग पीते हो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट है। फिजिकल को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती है, प्रेफरेंस होता है जो ये ऑर्डर है या केमिकल रिएक्शन वाला। दूसरा वोलेटिलिटी, देखो क्वेश्चन अननोन कैसे आ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको यही दे दिया, हो सकता है कोई ऐसा कंपाउंड मिल गया आपको जो आपको पता ही नहीं है कि ये कंपाउंड हो सकता है। जैसे अभी मैंने 16, 17, 18 के बता दिए, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा एक्स दे दे यहाँ पे, चलो उसने कहा एक्स ओ दे दिया और दूसरा दे देगा एक्स एस दे देगा, एक्स एस ई दे देगा, एक्स टी दे देगा, या इसमें कोई और कंपाउंड मिला के दे देगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अननोन है जो हमें पता नहीं है, ऐसे अभी आप अब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि अननोन टाइप के आ गए। तो कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना क्वेश्चन कोई भी होगा, अगर एंगल वाला क्वेश्चन आ गया तो एंगल क्वेश्चन कुछ भी होगा, जैसे 15 ग्रुप का हो गया, 16 ग्रुप का हो गया, अभी 17 ग्रुप में भी यही आएगा सेम एंगल का, या मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, तो उसमें क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आंसर सेम रहेगा। जो आपने 15 में लिखा है वही आंसर 16 में होगा, वही आंसर 17 में होगा, वही आंसर 13 में होगा, तो आंसर सबके केस में सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन बदल जाता है। यहाँ पे यही है बस। अभी देखो आप, मैं आपको इसके क्वेश्चन दूंगा तो आपको कई क्वेश्चन लगेंगे जो अननोन है, लेकिन आंसर नोन होंगे, क्योंकि आंसर आपको जैसे ही पता चलेगा अच्छा इससे है तो आप आंसर बता दोगे, ठीक है। तो जैसे अभी इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा देता हूँ ताकि आपको जब आप वहां जाओगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन अननोन नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक टाइप को हम डिस्कस कर चुके होंगे। अब सेकंड देखो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब जिसके वेपर्स बनेंगे, तो किसके वेपर जल्दी बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि किसके वेपर्स जल्दी बनेंगे, किसके वेपर्स देर में बनेंगे। वोलेटिलिटी का मतलब वेपर्स, टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, किसके वेपर जल्दी बनेंगे यानी वो जल्दी ज्यादा वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल जो ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो वोलेटिलिटी कम, उल्टा हो गया देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको याद रखना है, वोलेटिलिटी उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट है, आप क्वेश्चन देख दिया, देखो मैंने कह दिया वोलेटिलिटी, अब वोलेटिलिटी तो मैंने पढ़ाई नहीं है आपको इसमें पहले से, लेकिन आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जिसका स्ट्रॉन्ग ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका मतलब उसके वेपर जल्दी बनेंगे नहीं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, वोलेटिली मतलब उसके वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने कहा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ऑर्डर क्या था, उसमें क्या था H2O हाईएस्ट में था, फिर H2TE, फिर H2SE और सबसे लास्ट में H2S। अब इसका उल्टा हो गया, देखो ये H2S सबसे हाईएस्ट में आ गया, वोलेटिलिटी H2S की सबसे ज्यादा, फिर H2SE, फिर H2TE और फिर H2O सबसे लास्ट में, तो ये अपोजिट हो गया। तो कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछेगा, वोलेटिलिटी पूछ देगा, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इससे पहले वाले नहीं बताए थे तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि वोलेटिलिटी पूछा तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा उसका अपोजिट कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, देखो एसिडिक करेक्टर, इसमें भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे एसिडिक करेक्टर में। अब इसमें से मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले, देखो वन सेकेंड आपसे ही पूछ लेता हूं, आपको क्या लगता है कि कौन सा एसिडिक ज्यादा होगा, देखो H2O, H2S, H2SE और H2T। अब मैंने बोला बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा इसमें से, तो आप कौन किस पे टिक करोगे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ओके श्रुति, इसके अलावा आंसर बताओ। यही तो लॉजिक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आते हैं बस इसमें, इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें से कौन, अच्छा अंबिका, ठीक है, और H2D इसके अलावा,
हाँ सुमित क्या बोला आपने? H2TE। ओके S2T, ठीक। और इसके अलावा कोई आंसर? हेमंत, श्रुति, अंबिका, यामिनी, आंसर बताओ। ओके सबने सही आंसर बताया लगभग, ठीक है। S2TE। देखो एसिडिक टेंडेंसी अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में होगा, अब ये जनरल क्वेश्चन है, देखो किसी भी केस में एसिडिक रिएक्टर अगर हाइड्रोजन है उसमें, तो जो हाइड्रोजन जल्दी निकालेगा, यानी टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन एटम, टेंडेंसी टू या एबिलिटी कह लो, एबिलिटी टू रिलीज एच प्लस, कौन एच प्लस जल्दी निकालेगा? जो जल्दी एच प्लस निकालेगा, आपने वो देखा होगा आरहेनियस में कि जो एच प्लस जल्दी देगा वो ज्यादा एसिडिक होता है। और एच प्लस किससे जल्दी निकलेगा? H2TE से, क्योंकि बड़ा साइज होता है, एच और टीई के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये वीक होता है, तो यहां से एच जल्दी निकल जाएगा, और जब यहां से जल्दी निकलेगा तो ये जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? एसिडिक क्यों है? क्योंकि टीई का साइज बड़ा है, देखो टीई का साइज बड़ा है, तो जो एच और टी के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक है, ये सबसे वीक है, तो एच जल्दी किससे निकलेगा? जहां वीक होगा तो ये जल्दी निकल जाएगा, इसीलिए H2TE क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। देखो एसिडिक रिएक्टर H2TE का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जनरली से Ka की वैल्यू से निकालते हैं, लेकिन आपको जो मैंने फैक्ट बताया वही लगता है। तो इसमें देखो H2TE की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर H2SE की, फिर H2S की, और सबसे लास्ट में H2O की, ठीक है। तो H2O क्या होगा? सबसे वीक होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। क्लियर हुआ? यही क्वेश्चन देखो अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि कौन एसिडिक ज्यादा है, कौन बेसिक ज्यादा है, तो यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसीलिए इसी को स्ट्रॉन्ग करना है आपने ज्यादातर। अब थर्मल स्टेबिलिटी है, देखो अब इसका भी आपसे ही पूछ लेता हूँ, चलो दिमाग लगाना है, खुद सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको अगर एक फैक्ट समझ में आ गया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप खुद ही बता दोगे। थर्मल का मतलब हीटिंग देके कौन स्टेबल रहेगा, कौन ज्यादा देर तक टिका रहेगा इसमें से? थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल मतलब हीटिंग, आप हीटिंग करोगे तो कौन देर तक टिका रहेगा, कौन टूटेगा नहीं जल्दी? अभी भी मैंने इसका लॉजिक बताया था, देखो आपको। अब बताओ इन चारों में से H2O। कौन स्टेबल ज्यादा होगा? ओके श्रुति, अंबिका, और कोई आंसर? खुद सोचो, देखो बहुत सिंपल सा आंसर, अब अगर कोई दिमाग लगाओगे आप लोग तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन आप खुद दे दोगे। ओके श्रुति, अंबिका, सुमित, यामिनी और हेमंत, आंसर बताओ। आपने सबने सही आंसर बताया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही चीज आपने सीखनी है बस। देखो यहाँ पे आप सीखोगे कि आर्ग्यूमेंट होना चाहिए आपको, लॉजिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब मजबूत कौन रहेगा? जिसमें एच ओ बॉन्ड स्ट्रांग है, अभी मैंने कहा था, देखो इससे पहले आ गया था, जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो टूटेगा नहीं, तो इसीलिए H2O। तो आप सबने सही आंसर बताया, देखो ये सेम लॉजिक है, क्योंकि छोटा साइज होगा तो एच और ओ के बीच का बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, तो टूटेगा नहीं, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? H2O की सबसे ज्यादा होगी, और H2S H2TE की सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट सब में चलेगा, मैंने कहा आपको NH3 और PH3 है, कौन थर्मल स्टेबल ज्यादा होगा? तो छोटा साइज होता है NH3 का, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये है आपका एक के बेस पे। दूसरा मैं आपको 17 ग्रुप का भी पूछूंगा तो आप बता दोगे उसका, ठीक है। 17 ग्रुप का चलो मैंने आपको बताया नहीं, देखो 17 ग्रुप, लेकिन मैंने अगर आपको पूछ लिया HF और HCl, इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बताओ? HF की 1 और HCl की 2, तो किस पे टिक करोगे आप, HF या HCl? थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, HCl, किसकी? HCl। HCl। और इसके अलावा कोई आंसर? ओके चलो इसे सोचना आप, मैं बताऊंगा इसका आंसर, अभी टाइम खत्म हो रहा है, आप इसे रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे, ठीक